हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडीएन पब्लिक स्कूल। और जैसा आप लोगों को पता है, मैं मनीषा धीमान आप लोगों को सेवन्थ क्लास की इंग्लिश लिटरेचर जो है वो टीच कर रही हूँ। और हम लोग क्या हैं, हमारे जो लास्ट लेक्चर्स हुए थे उसमें हम एक चैप्टर जो है दी टाइनी टीचर आपकी बुक एन एलियन हैंड का रीड कर चुके हैं, और उसके हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन और वर्ड मीनिंग्स कर चुके हैं। आई होप आप सब ने उसको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से मेंटेन किया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम क्या करेंगे, उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जो आप लोगों को बिल्कुल ईजिली वन वर्ड्स में आंसर जो है उसके पता होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आंट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड वाइजेस्ट क्रिएचर। सॉरी, मैंने आंसर ही बोल दिया। आप लोगों को पता ही है, क्या करें, पढ़ते पढ़ते पता लग जाता है कि भी हाँ क्या आंसर रहेगा। विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड वाइजेस्ट क्रिएचर, जो स्मॉलेस्ट और वाइजेस्ट क्रिएचर है, जो बहुत बुद्धिमान भी है और स्मॉल भी है, कौन सी है बताओ बच्चों, कौन सी है? हाँ, सबको पता है कि वो कौन सी है, आंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ दी स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड, एक आंट की लाइफ की जो स्टोरी है वो कैसी साउंड करती है। हमने कंप्रिहेंशन चेक में पढ़ा था कैसी साउंड करती है, अंट्रू, कैसी साउंड करती है, अंट्रू। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एन आंट, आंट के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है, सबको पता है हार्ड वर्किंग होती है, और हार्ड वर्किंग है साथ के साथ क्या है, बोलो बोलो, इंटेलिजेंट है, और क्या है, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन है। व्हाट डू आंट्स यूज टू पास मैसेजेस, आंट मैसेज पास करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, अपने एंटीना का, किसका यूज़ करते हैं, एंटीना और फिलर दोनों का। विच इज़ द कॉमनेस्ट आंट, जो सामान्यता हमें मिल जाती है, कौन सी चीटी है, कौन सी चीटी है, बोलो बोलो, रेड एंड ब्लैक, हम चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं। वेयर डू आंट्स लिव, आंट्स कहाँ रहती हैं, सबको पता है, छोटा बच्चा भी बता देगा लेसन पढ़ने के बाद, किस में रहती है, आंट हील में। नेक्स्ट हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, विच आंट इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, कौन सी आंट होती है जो सबकी मम्मी होती है भाई, कौन होती है, क्वीन आंट, कौन सी होती है, क्वीन आंट। उसके बाद व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ द क्वीन आंट, क्वीन आंट की जो लाइफ है वो कितने टाइम की होती है, 15 ईयर्स, कितने टाइम की होती है, 15 ईयर्स की। वेयर डज़ द वेडिंग फ्लाइट ऑफ द क्वीन आंट टेक प्लेस, जो वेडिंग फ्लाइट है वो क्वीन आंट कब लेती है, कब लेती है भाई, कब लेती है आंट, जब हॉट समर डे होता है, बिल्कुल हॉट समर डे। नेक्स्ट है, व्हाट डज द क्वीन गेट ट्राइड ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, वो क्या गेट राइड, किन चीज़ों को उतार देती है, किन चीज़ों का त्याग कर देती है वेडिंग फ्लाइट के बाद, किन का कर देती है, अपने विंग्स का। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द आंट, हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, हार्ड वर्क सीख सकते हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी सीख सकते हैं, डिसिप्लिन सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ आंट्स काउ, आंट्स की काउ क्या है, आंट की गाओ क्या है, कौन सी आंट की गाओ, विच, कौन सी है, ग्रीन फ्लाई, क्या है, ग्रीन फ्लाई। आप लोगों के ये जो इस चैप्टर के थे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये यहीं तक थे, कल हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करूँगी कि वो लॉन्ग क्वेश्चन एक या दो हो, ताकि आप लोग उसको इजीली याद कर सके। जो लास्ट वीडियो के क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो लास्ट वीडियोज़ हैं, उनका डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हैं, और आप लोग वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, अपनी फेयर नोटबुक अच्छे से मेनटेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इन क्वेश्चंस को अपने फेयर नोटबुक में करें, घर से याद करें इनको, और अपनी पढ़ाई का कोई भी नुकसान ना होने दें। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।